वेलकम टू साइंस इज क्रिएशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे। आई एम साइंस इज परिडा, स्टूडेंट इन क्लास 2। टुडे आई बिकम अ टीचर एंड माय एक्ट इज डेडिकेटेड टू माय रिस्पेक्टेड टीचर्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। यह हम सब जानते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन को हम टीचर्स डे मनाते हैं, पर हम ये नहीं जानते हैं कि उन्हीं के जन्मदिन को ही क्यों टीचर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतमी गांव में हुआ था। उनको सर्वपल्ली नाम उनके पूर्वजों से मिला। उनके पूर्वज सर्वपल्ली गांव में रहते थे, इसलिए वो चाहते थे उनके साथ उनका गांव का नाम जुड़ा रहे। उनका पढ़ाई मिशनरी स्कूल से शुरू हुआ था। वो बचपन से ही मेधावी थे। उनको किताब पढ़ने का शौक था। 16 साल का उम्र में उनका शादी हुआ था। पॉलिटिकल ज्वाइन होने से पहले वो 40 साल तक शिक्षक रहे। शिक्षकों को नई ऊंचाई पर ले जाने में उन्होंने अहम भूमिका ली है। वो जब प्रेसिडेंट थे, उनके कुछ दोस्त और कुछ स्टूडेंट ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति ली। उसी दिन उन्होंने बोले, मेरे जन्मदिन सिर्फ मेरे लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी टीचर्स के लिए होगा तो मुझे बहुत गर्व महसूस होगा। अब देश भर में 5 सितंबर 1962 को पहली बार टीचर्स डे मनाया गया।